गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. द पोलिनेशन टॉपिक ऑफ दिस लेसन. जनरली पोलन ग्रेन्स हैव टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप. सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट, दे कैन बी कैरीड बाय विंड. जो पोलन ग्रेन्स होती है वो टफ प्रोटेक्टिव कोट्स होती है, जिससे कि वो ड्राई नहीं करती. पोलन ग्रेन्स जो है वो लाइट वेटेड होती है, वो विंड के थ्रू कैरी हो जाती है. सो हियर इज़ द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन. वाटर इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर्स एंड कैरीज अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज. वाटर और विंड के थ्रू चली जाती है और इंसेक्ट जो है वो फ्लावर्स पे विजिट करते हैं, तो पोलन जो है वो कैरी करके वो उनकी बॉडी में से ले जाती है. सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड. द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द अनदर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन. इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, पोलन जो है एक स्टिग्मा में से दूसरे फ्लावर में जो ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड पोलिनेशन. इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. जो पोलन लैंड्स होते हैं स्टिग्मा के, सेम फ्लावर के होते या दूसरे फ्लावर के होते हैं सेम प्लांट के, इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन. हम उसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं. व्हेन द पोलन ऑफ अ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड. जो पोलन फ्लावर्स होते हैं वो लैंड करते हैं स्टिग्मा फ्लावर में और डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट के, डिफरेंट प्लांट पे सेम काइंड के पोलन्स आते हैं. सो इज़ कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन. हम उसे क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं. दिस इज़ ओवम, दिस इज़ पोलन ट्यूब, नाउ पोलन ग्रेन, एंड दिस इज़ जायगोट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन. जायगोट फॉर्मेशन ऑफ पोलन्स. नाउ फर्टिलाइजेशन, द सेल्स विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड जायगोट. ये तो हमने रीड किया हुआ है. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जायगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. द जायगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो. फ्रूट्स एंड तो सेम प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है. सेक्शन ऑफ एन एप्पल एंड दिस इज आलमंड. फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ. द फ्रूट इज द राइपन ओवरी. फ्रूट जो है वो राइपन ओवरी है एंड सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स. और सीड्स जो है वो ओव्यूल्स में से डेवलप होते हैं. द सीड्स कंटेन्स एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट. सीड जो है एम्ब्रियो होता है और प्रोटेक्टिव सीड कोट में कन्वर्ट होता है. सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज. कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो फ्लैशी और जूसी होते हैं, जैसे कि मैंगो एंड ऑरेंज. सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स और वॉलनट्स. कुछ हार्ड होते हैं आलमंड्स और वॉलनट्स की तरह. सीड डिस्पर्सल्स इन नेचर, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस. अगर सेम काइंड के प्लांट्स जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पर ग्रो करते हैं. दिस हैपन्स बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स. जो उनके सीड्स जो है वो डिस्पर्स्ड हुए हैं कि डिफरेंट प्लेसेस पर. समटाइम्स आफ्टर वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और फील्ड और पार्क यू मे हैव फाउंड सीड्स ऑफ फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लोथ्स. अगर आप फॉरेस्ट में जा रहे हैं या किसी पार्क में जा रहे हैं तो कहीं फ्रूट्स के जो सीड्स होते हैं वो आप पर स्टिक कर जाते हैं आपके क्लोथ्स पे. और फिर वो डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दिस सीड्स आर क्लिंजिंग टू योर क्लोथ्स. व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ सीड्स ऑफ अ प्लांट वर टू फॉल एट द सेम प्लेस एंड ग्रो हियर. वो क्लिंजिंग कैसे करते हैं, कैसे चिपकते हैं आपके क्लोथ्स पे. सो अगर वो सीड्स हैं प्लांट्स के वो सेम प्लेस पे अगर ग्रो करे तो देर वुड बी अ सीवर कॉम्पिटिशन ऑफ सनलाइट. कॉम्पिटिशन ऑफ सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस. एज अ रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इन टू हेल्दी प्लांट्स. अगर सीड जो है वो हेल्दी प्लांट में ग्रो नहीं करते, प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल. और प्लांट्स क्या करते हैं, सीड डिस्पर्सल मीन्स होता है उसमें. इट प्रिवेंट्स कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट्स एंड इट ओन सीडलिंग्स. वो उन सीडलिंग्स में, अपने खुद के सीडलिंग्स में कॉम्पिटिशन करते हैं फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स. इट ऑल्सो अनेबल्स द प्लांट्स टू इन्वेड न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन. नए हैबिटेट्स आए सो इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरीड अवे बाय विंड, वाटर्स एंड एनिमल्स. विंग सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक्स एंड मैपल. ड्रमस्टिक्स और मैपल के जो विंड सीड्स होते हैं, यू कैन सी हियर दिस इज 12.3 सीड्स ऑफ अ ड्रमस्टिक एंड मैपल. दिस इज सीड एंड दिस विंग्स. सीड्स ऑफ गैसेस और हैरी सीड्स ऑफ एग आप मदर एंड हैरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर गेट ब्लोन ऑफ विथ द विंड टू फार अवे प्लेसेस. सम सीड्स वर डिस्पर्स बाय वाटर. दिस फ्रूट्स और सीड्स यूजली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी एंड फिब्रियस आउटर कोट इन द कोकोनट. हैरी सीड्स भी होते हैं आग की तरह, मदर की तरह. हैरी फ्रूट भी होते हैं सनफ्लावर की तरह. गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड ऑफ फार अवे प्लेसेस. और वो हवा से उड़ जाते हैं और काफ़ी दूसरी प्लेसेस पर चले जाते हैं. कुछ सीड्स जो है वो वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं.
दिस फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी, ये सीड्स जो है फ्लोटिंग एबिलिटी में होते हैं, स्पंजी होते हैं, फिब्रस होते हैं और उनके आउटर कोट में लाइक एन कोकोनट। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स्ड होते हैं, स्पेशली स्पाइनी सीड्स हुक्स, स्पाइनी सीड्स जो कि उसके हुक्स जो है वो अटैच हो जाते हैं उनकी बॉडी में और कैरिड हो जाते हैं डिस्टेंस प्लेस। सम एग्जाम्पल्स आर जेंथियम एंड यूरेना। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट्स बस्ट विद सडन जर्क्स, जो फ्रूट्स है वो बस्ट हो जाता है जर्क से। द सीड्स आर स्कैटर्ड फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और सीड्स जो हैं वो उसके उड़ जाते हैं। दिस हैपन्स इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बालसम, बालसम और कैस्टर में ऐसा ही होता है। द हैरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर एंड हैरी सीड ऑफ मैडर। आप सो हियर इज़ अ लेसन नंबर 12 is finished. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned to learn next session. Bye bye. Take care. Have a joyful day. Have a wonderful day.